मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो मासिक धर्म को एक महिला की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा मानती हैं। ये कोई विकलांगता नहीं है। इस तरह उन्होंने संकेत दिया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। माहवारी वाली महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि माहवारी और उसका चक्र कोई विकलांगता नहीं है, ये महिला की जीवन यात्रा का स्वाभाविक अंग है। चूँकि आज महिलाएं अधिक से अधिक आर्थिक मौकों की तलाश कर रही हैं, मैं इस पर अपनी व्यक्तिगत राय रखना चाहूंगी। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमें कोई ऐसा मुद्दा प्रस्तावित नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को सिर्फ इसलिए समान अवसरों से वंचित किया जाए कि जिसे महावरी नहीं आती वो महावरी के बारे में एक खास तरह की राय रखता है। झा ने कहा कि 1990 के दशक में शुरुआत में बिहार पहला राज्य बना जिसने मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी थी और उसके बाद केरल भी उसी रास्ते पर चला। आरजेडी सांसद ने मंत्री से पूछा कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य तौर पर पेड लीव देने को लेकर क्या किया गया है। इसके जवाब में ईरानी ने राज्यसभा को बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों में जटिलता का सामना करना पड़ता है, ज्यादातर महिलाओं में सामान्य तौर पर कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा था कि महिलाओं को अनिवार्य तौर पर पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल लंबे समय से ये मांग होती रही है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य तौर पर छुट्टी दी जानी चाहिए। हालांकि इस विचार का ये कहकर विरोध भी किया जाता है कि इससे नियोक्ता महिलाओं को नौकरी पर रखने से हिचकेंगे और अनिवार्य छुट्टी महिलाओं के हित के खिलाफ जाएगी। क्रमिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से जुड़े संसद की अस्थायी समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि क्रमिक मंत्रालय को हितधारकों से बात करके एक मासिक धर्म अवकाश नीति बनानी चाहिए जिसमें महावारी के समय परेशानी का सामना करने वाली महिलाओं को छुट्टी की अनुमति हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान लिया है। मासिक धर्म से ज्यादा महिलाओं को कमजोर का अनुभव होता है और कार्यस्थल पर उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। हालांकि क्रमिक मंत्रालय का कहना है कि महिला सरकारी कर्मचारी के लिए विशेष मासिक धर्म अवकाश स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकता है।